Assalamualaikum, welcome to Seher's Kitchen. आज मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे आपको बनाना सिखाऊंगी गुलाब जामुन, वो भी खुश दूध के साथ। उसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इंशाल्लाह जैसे कि मेरी बाकी रेसिपीज भी ईजी होती हैं, ये भी ईजी होगी। आसान इंग्रेडिएंट से बनाएंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा यमी और डिलीशियस होंगी। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। उसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप खुश दूध, और ये अच्छी क्वालिटी को नीदो ले लें, एवी ले लें, कोई सा भी ले लें, लेकिन याद रहे अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दूध एज रिक्वायर्ड गूंदने के लिए 1 टेबल स्पून हम मैदा ले रहे हैं, 1 टेबल स्पून सूजी ले रहे हैं। याद रहे इन दोनों को मैंने 1 टेबल स्पून लिया, और 1 कप मैं ले रही हूँ खुश दूध, क्योंकि इसके ज़्यादा डालने से जो आपकी जो गुलाब जामुन है वो बहुत हार्ड हो जाएंगे, उसमें गुटलियाँ बनेंगी, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और एक मेरे पास छोटा नींबू ले रही हूँ, और अगर आपके पास बड़ा साइज़ में नींबू है तो उसको हाफ ले रही हूँ और इसी तरह स्लाइसेस में काट लें। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ले रही हूँ, और 1 टेबल स्पून घी ले रही हूँ, कोई सा भी ले लें। और शीरा बनाने के लिए हम लेंगे 2.5 कप पानी, और 1.5 कप मैं चीनी ले रही हूँ, और 3 अदद सब्ज़ इलायची ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम शीरा प्रिपेयर करें, तो आइए हम शीरा प्रिपेयर करते हैं। अब एक पैन में मैंने 2.5 कप पानी लिया है, उसमें हम ऐड कर देंगे शुगर और साथ ही लेमन स्लाइसेस और सब्ज़ इलायची। अब इसको हम मिक्स होने देते हैं शुगर जब तक डिज़ोल्व हो, 4-5 to 6 मिनट्स, ताकि जो ये सिरप है वो थिक भी हो जाए और शुगर भी डिज़ोल्व हो जाए। जी शीरा हमारा रेडी है, अब इसको स्टोव ऑफ कर देते हैं और इसको हम छान लेते हैं, और इसको आपने कवर करके रख देना है किसी भी ढक्कन। पहले हम एक बाउल में कुछ दूध ऐड करेंगे, उसके साथ साथ हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, सूजी, मैदा। तो पहले इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही हम ऐड कर देते हैं घी, और घी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। इसको हम गर्म दूध से गूंद लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा जितना ज़रूरत हो, फिर उस हिसाब से आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको ऐड कर देना। थोड़ा और ऐड कीजिए, गरम दूध से लाजमी गूंदिएगा, वरना जो डो है वो स्मूथ नहीं आपकी होगी, और फिर जो हमारे गुलाब जामुन है वो क्रैक फ्री नहीं बनेंगे, तो इसलिए अब इतना काफ़ी है। पहले अच्छे से सारे को मिक्स कर लें, फिर और ज़रूरत हुई तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। डो हमारी रेडी है, डो सॉफ्ट होनी चाहिए। अब हम इसके बॉल्स बना लेते हैं। हाथों में आप ऑयल लगा लें, घी लगा लें, और आपने जितना भी साइज़ रखना है डो का, लेने के बाद आपने हाथों में ये रोटेट करना है कि जो हमारी बॉल है वो क्रैक फ्री बने, बिल्कुल क्रैक फ्री बॉल बननी चाहिए। जैसे ये देखें, आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा क्रैक फ्री बॉल है। इसी तरह आप बाकी सारे भी प्रिपेयर कर लें। जी बॉल्स रेडी हैं, आपको नज़र आ रहा होगा और क्रैक फ्री हैं सारे। अब इसको हम फ्राई करते हैं। बेक पैन में हम ऑयल ले रहे हैं, इसको हम गर्म करेंगे। इतना गर्म करना है ना कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो, दरमियाना रखना है। और उसके बाद फिर हम अपने गुलाब जामुन डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अपने गुलाब जामुन ऐड कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे पकाना है, साथ साथ आपने इनको चम्मच से हिलाना है। जी अपने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि जब आप उसको शुगर सिरप में इसको डिप करेंगे उसके बाद ही इसका कलर चेंज होगा, तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, बस ब्राउन ब्राउन रखें ताकि शुगर सिरप के बाद इसका कलर जो है वो नॉर्मल हो जाए। हो गया है, इसको हम उतार लेते हैं, और इसी तरह गरम गरम शुगर सिरप में डिप करेंगे। मैंने कवर करके रखा हुआ था, अब इसमें हम ऐड कर लेंगे, गरम गरम ही आप इसमें ऐड करेंगे, और इसको आप 20 से 25 मिनट के लिए कवर ही रहने देंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इनके कलर्स आप देखें,
कलर भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आया है। थोड़ा शीरा भी साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ताकि ये सोक रहे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा शीरा ऐड कर दें ताकि ये सोक रहे। लेमन डालने से शीरे का जायका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा बादाम के साथ गार्निश भी कर लेते हैं। आप इस पे चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसा है करके। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना सॉफ्ट है, कलर भी कोई गुटली नहीं है। ये आप देख रहे होंगे, आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, कुछ भी गुटली वगैरह नहीं है। और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा है। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम बेकरी से लेके आए हैं। और दोबारा से आप देख लें सॉफ्टनेस, और जैसे बाज़ार वालों का कलर होता है बिल्कुल वैसे ही है। और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त है, और खुशबू तो बिल्कुल जैसे जैसे आप बेकरी से लेके आए हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स पर ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ साथ मुझसे नई नई रिक्वेस्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज लेके आती रहूँ। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।